एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CICM क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन टेन क्यूब 2x sec 2x dx। अब मेरे को पता है या तो इसको एक t लेट करना पड़ेगा या इसको। अगर sec को t लेट करता हूँ तो sec का अवकलन क्या होता है, tan x sec x। दूसरा sec हमारे पास है नहीं, tan को t करते हैं तो sec स्क्वायर होता है, दूसरा sec है नहीं, तो हम यहाँ क्यूब है तो इसको क्या सोल्व कर सकते हैं, आई बराबर टेन स्क्वायर 2x इंटू में टेन 2x sec 2x dx। टेन स्क्वायर को एक sec और चाहिए ना हमें, किसी को भी टी मानेंगे उसके लिए एक sec और चाहिए, तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx, i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx माइनस इंटीग्रेशन tan 2x sec 2x dx। अगर यहाँ देखें हम i बराबर, सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, tan को t मानेंगे sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, लेकिन एक sec फिर भी रह जाएगा। अगर sec को t मानते हैं तो यहाँ मानना sec 2x equals to t, sec का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec का होता है tan x sec x, x 2x है यहाँ पे, और जो वेरिएबल है उसका करेंगे तो 2 dx बराबर क्या जाएगा dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है sec 2x, जैसे ये रखेंगे i बराबर, ये तो हो गया dt by 2, ये हो गया t स्क्वायर dt, ये tan x sec x का क्या होता है sec x, और जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, ये इस इंटीग्रेशन के लिए कॉन्स्टेंट सी वन हो गया। टोटल करते हैं i इक्वल्स टू 1 बाई टू टी की क्यूब बाई 3 माइनस sec 2x बाई 2, इसका कॉन्स्टेंट सी 2, इसका सी 1, तो इनको ओवरऑल में एक सी मान सकता हूँ। i बराबर 1 बाई 2 में कॉमन निकालूं तो यहाँ से आ जाएगा आंसर आ गया है, यहाँ क्या किया 1 बाई 2 को कॉमन निकाला तो t की जगह sec 2x बाई क्यूब माइनस 3 माइनस sec 2x प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।